हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस कक्षा में हम अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी का चौथा भाग समझेंगे और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विवर्तन यानी डिफ्रेक्शन की परिघटना को और जानेंगे किसी एकल झिरी द्वारा होने वाली विवर्तन की घटना। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, जब हम किसी अपारदर्शी वस्तु के द्वारा बनने वाली छाया को देखते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि ज्यामितीय छाया के क्षेत्र के समीप व्यतिकरण के समान बारी बारी से उदीप्त तथा दीप्त क्षेत्र नजर आते हैं। दोस्तों, ऐसा विवर्तन की परिघटना के कारण होता है, यानी विवर्तन एक ऐसी परिघटना है जिसमें किसी अवरोधक के कोनों से प्रकाश मुड़ जाता है और यह अभिलक्षण सभी प्रकार की तरंगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वे ध्वनि तरंगे हों, प्रकाश तरंगे हों, जल तरंगे हों अथवा द्रव्य तरंगे हों। दोस्तों, क्योंकि अधिकांश अवरोधकों के विस्तार से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अत्यंत छोटी है, इसीलिए हमें दैनिक जीवन के प्रेक्षणों में विवर्तन के प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारी आंख या प्रकाशिक यंत्र जैसे कि दूरदर्शक अथवा सूक्ष्मदर्शी का निश्चित वियोजन विवर्तन की परिघटना के कारण सीमित रहता है। और वास्तव में जब हम किसी सीडी को देखते हैं तो उसमें रंग विवर्तन प्रभाव के कारण ही दिखलाई देते हैं। आइए अब हम इस विवर्तन की परिघटना को विस्तार से समझते हैं किसी एकल झिरी द्वारा होने वाले विवर्तन की परिघटना को जानकर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यंग के प्रयोग के बारे में पढ़ा था। यंग के प्रयोग में हमने कहा था कि एक संकीर्ण एकल झिरी नए स्रोत की तरह कार्य करती है जहां से प्रकाश विस्तारित होता है। दोस्तों, यंग से पहले न्यूटन भी इस प्रभाव को जान चुके थे कि प्रकाश संकीर्ण छिद्रों तथा झिर्रियों से विस्तारित होता है। यह कोने से मुड़कर उस क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है जहां हम छाया की अपेक्षा करते हैं, और इसी प्रभाव को कहा जाता है विवर्तन। लेकिन यह प्रभाव केवल तरंग धारणा के उपयोग से ही उचित रूप से समझा जा सकता है। दोस्तों, जब यंग के प्रयोग में द्विझिर्री को एक संकीर्ण एकल झिर्री द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हमें एक ब्रॉड यानी चौड़ा पैटर्न दिखाई पड़ता है जिसके मध्य में दीप्त क्षेत्र होता है। इसके दोनों ओर क्रमागत दीप्त एवं अदीप्त क्षेत्र होते हैं जिनकी तीव्रता केंद्र से दूर होने पर कम होती जाती है। दोस्तों, इसको समझने के लिए यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ए चौड़ाई की एकल झिर्री एल एन पर अभिलंबवत पड़ने वाले समांतर किरण पुंज को दर्शाया है। यहाँ विवर्तित प्रकाश आगे रखे एक पर्दे पर आपतित होता है और यहां पर झिर्री का मध्य बिंदु है M। अब हमें पर्दे के किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए मूल धारणा यह होगी कि झिर्री को बहुत से छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए और बिंदु P पर उनके योगदानों को उचित कला अंतर के साथ जोड़ा जाए। दोस्तों, इसके लिए हम झिर्री पर प्राप्त तरंगाग्र के विभिन्न भागों को द्वितीयक स्रोतों की तरह लेते हैं और क्योंकि आपाती तरंगाग्र झिर्री के तल में समांतर है तथा ये स्रोत एक ही कला में होते हैं। अब झिर्री के दो सिरों के बीच का पथ अंतर अर्थात एनपी घटा एलपी, इसकी गणना ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जैसे कि टॉमस यंग के प्रयोग में की थी, यानी यहाँ पर NP घटा LP जो बराबर होगा NQ के, उसे लिखा जा सकता है NP घटा LP बराबर A sin थीटा। और दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थीटा बहुत ही छोटा कोण है, इसी कारण यहाँ पर इस sin थीटा को लगभग थीटा के बराबर ही मान लिया जाएगा, यानी पथ का अंतर NP घटा LP आता है लगभग A थीटा के बराबर। दोस्तों, यहाँ पर यदि झिर्री के तल में दो बिंदुओं M1 एवं M2 के बीच की दूरी y हो तो पथ का अंतर
m2p घटा m1p बराबर होगा y थीटा के। दोस्तों अब हमें स्रोतों की बड़ी संख्या से प्राप्त होने वाले समान कला संबंध योगदानों को जोड़ना होगा। ऐसा करने पर पर्दे के केंद्रीय बिंदु अर्थात C पर कोण थीटा शून्य होगा, अर्थात सभी पथांतर शून्य हैं, और इसी कारण झिर्री के सभी भागों का योगदान समकला में है, जिससे बिंदु C पर उच्चतम तीव्रता मिलती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों तीव्रता का केंद्रीय उच्चिष्ट थीटा बराबर शून्य पर है तथा द्वितीय उच्चिष्ट थीटा बराबर एन जमा एक बटे दो लैम्डा बटे ए पर है, और निम्निष्ट यानी शून्य तीव्रता थीटा बराबर एन लैम्डा बटे ए पर है, जहां पर एन का मान शून्य को छोड़कर एक दो तीन कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर यह निम्निष्ट थीटा बराबर एन लैम्डा बटे ए पर क्यों आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोण थीटा पर विचार करेंगे, जहां पर पथ का अंतर ए थीटा लैम्डा है। तो इस स्थिति में थीटा लगभग बराबर आता है लैम्डा बटे ए के। अब हम झिर्री को दो बराबर भागों में यानी एल एम तथा एम एन में बांटते हैं, जिनमें प्रत्येक का आकार झिर्री के अर्ध यानी ए बटे दो है। भाग एल एम में प्रत्येक बिंदु एम वन के लिए भाग एम एन में बिंदु एम टू इस प्रकार है कि एम वन एम टू लगभग ए बटे दो के बराबर हैं। दोस्तों यहाँ बिंदु पी पर M1 तथा M2 के बीच पथांतर चुने हुए कोण थीटा के लिए होगा M2P घटा M1P बराबर थीटा A बटे 2, जो बराबर होगा लैम्डा बटे 2 के। इसका अर्थ यह है कि M1 तथा M2 के योगदान 180 डिग्री यानी पाई रेडियन से विपरीत कला में है तथा थीटा बराबर है लैम्डा बटे A के। इसी कारण यहां से आने वाली दोनों ही तरंगें एक दूसरे को रद्द कर देंगी। इसीलिए झिर्री के दो अर्ध भागों LM तथा MN के योगदान एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। दोस्तों यहां पर यह समीकरण वह कोण बताती है जिस पर तीव्रता शून्य हो जाती है। इसी प्रकार यह दर्शाया जा सकता है कि थीटा बराबर N लैम्डा बटे A के लिए तीव्रता शून्य होगी, जहां N शून्य को छोड़कर एक पूर्णांक है। दोस्तों अब हम एक कोण थीटा बराबर 3 लैम्डा बटे 2 ए पर विचार करें, जो दो अदीप्त फ्रिंजों के मध्य में है। तो यहां पर हम झिर्री को तीन भागों में बांट सकते हैं। यदि हम प्रथम दो तिहाई झिर्री को लें तो दो सिरों के बीच पथ का अंतर होगा 2/3 ए गुणा थीटा, जो बराबर होगा 2a/3 गुणा 3 लैम्डा बटे 2a के, अर्थात यहां से पथ का अंतर आता है लैम्डा। अर्थात प्रथम दो तिहाई झिर्री को दो अर्ध भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका पथ का अंतर होगा लैम्डा बटे 2, और ये दोनों ही अर्ध भाग एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अतः केवल शेष एक तिहाई भाग ही दो निम्निष्ठों के मध्य किसी बिंदु पर तीव्रता को योगदान देता है। आइए दोस्तों अब उच्चिष्ट की स्थिति को देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि उच्चिष्ट की स्थिति हमें प्राप्त होती है n जमा 1/2 लैम्डा बटे a पर, जहां पर n का मान 2, 3, 4 तथा अन्य पूर्णांक है, और इन उच्चिष्टों की तीव्रता n के बढ़ने के साथ क्षीण होती जाती है, क्योंकि N के बढ़ने के साथ साथ झिर्री का केवल पांचवा, सातवां तथा आधी भाग ही इन उच्चिष्ठों की स्थितियों में तीव्रता का योगदान करते हैं। आइए दोस्तों अब हम व्यतिकरण पैटर्न तथा संबंधतया प्रदीप्त एकल झिर्री के पैटर्न, जिसे सामान्यतः एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न कहते हैं, इनकी समानता तथा विषमता को जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि व्यतिकरण पैटर्न में समान अंतराल पर दीप्त तथा अदीप्त बैंड होते हैं, जबकि विवर्तन पैटर्न में एक केंद्रीय दीप्त उच्चिष्ट होता है
जो दूसरे उच्चिष्टों से दो गुना चौड़ा होता है और केंद्र के दोनों ओर दूर अनुक्रमिक उच्चिष्टों पर तीव्रता कम होती जाती है। इसके अतिरिक्त व्यतिकरण पैटर्न का परिकलन दो संकीर्ण झिर्रियों से उद्गमित दो तरंगों के अध्यारोपण द्वारा किया जाता है, जबकि विवर्तन पैटर्न एकल झिर्री के प्रत्येक बिंदु से उद्गमित सतत तरंग परिवार के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, व्यतिकरण और विवर्तन के पैटर्न से हमें यह ज्ञात होता है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन परिघटनाओं में प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। यदि यह अदीप्त फ्रिंज उत्पन्न करते समय एक क्षेत्र में घटती है तो वहीं दीप्त फ्रिंज उत्पन्न करते समय दूसरे क्षेत्र में बढ़ती है, यानी ऊर्जा में कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती। अर्थात यह दोनों ही परिघटनाएं ऊर्जा संरक्षण नियम के सिद्धांत के अनुकूल होती हैं। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा विवर्तन की परिघटना को और समझा एकल झिर्री द्वारा होने वाली विवर्तन की परिघटना को। अगले वीडियो में हम समझेंगे प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता को। तब तक के लिए गुड बाय।